हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप 2020 का नेट या JRF का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसी की वीडियोज़ भी आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा सेकेंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए भी आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती है। काफ़ी प्लेलिस्ट्स में जाकर आप सारे के सारे वीडियोस सोशियोलॉजी से रिलेटेड, फर्स्ट पेपर से रिलेटेड आप देख सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। न्यू वीडियोस सोशियोलॉजी के भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या आपके फ्रेंड्स में कोई है ऐसा जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के साथ जुड़कर आप सभी को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, जिनका कुतुब मीनार के निर्माण में किसी भी तरीके का योगदान नहीं था। अगर हम कुतुब मीनार के निर्माण कार्य के शुरू की बात करें तो किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू किया था। अगर हम निर्माण कार्य संपन्न की बात करें तो कब पूरा होता है? इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा होता है। कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार ही क्यों पड़ा? तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, ठीक है, ये एक प्रसिद्ध सूफी हैं जो जिनका नाम ख्वाजा जिनका पूरा नाम सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, इनके नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। इसकी अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, तो इसकी आकृति गोलाकार है और ये 5 मंजिला इमारत है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के पास ही है, लाल पत्थर और संगमरमर से मिलकर बना हुआ है अलाई दरवाज़ा, ठीक है। लाल पत्थर और संगमरमर से इसका निर्माण हुआ है। कब बना? 1311 ईस्वी में ये पूरा बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो आप सभी को बताया गया था। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही कुतुब मीनार की जो 4वीं मंजिल थी उसको काफ़ी हानि हुई थी, जिसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक ने 2 और मंजिलों का निर्माण कराया था। टोटल यहाँ पर कुतुब मीनार में 5 मंजिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो किसका मकबरा था? हुमायूं का, बलबन का या फिर ऐबक का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बलबन का मकबरा है, जो कि भारत का पहला मकबरा है जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में बना था, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बलबन का मकबरा हो जाएगा, और ये दिल्ली के किला है राय पिथौरा के पास में ही है बनवाया गया था, ठीक है। ये क्या हुआ था, दिल्ली का जो अगर हम बलबन का मकबरा की बात करें, ठीक है, तो ये दिल्ली में एक किला है राय पिथौरा, उसके पास ही बलबन का मकबरा बनवाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? सोमवेद, जैता, अभिकवि। तो यहाँ पर आपका फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिकवि, ठीक है। इसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन सी राइट आंसर अभिकवि हो जाएगा। राढ़ा कुंभा के, ठीक है, राढ़ा कुंभा हैं, इनकी जब मालवा पर विजय हो जाती है, मालवा पर ये विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। कीर्ति स्तंभ का इन्होंने निर्माण करवाया था मालवा विजय के उपलक्ष में। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभी कवि हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के, राणा हंबीर के या फिर राणा रतन सिंह के। तो यहाँ पर आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन ए हो जाएगा राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था। सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, महमूद खिलजी जो राणा कुंभा है इन्होंने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसकी याद में ही जो है इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और अगर हम जो राणा कुंभा की बात करें, संगीत शास्त्र पर इन्होंने कई सारे ग्रंथों की भी रचना की हुई है। संगीत शास्त्र में कई सारे ग्रंथों की भी रचना राणा कुंभा ने की हुई है। सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है ये सब किले हैं, ठीक है, इनमें बताना है कि सही क्रम में लगाना है कब कब हुआ। तो यहाँ पर आपका सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, थर्ड कुतुब मीनार का हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार हो जाएगा आपका थर्ड, बताया गया है किसने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पहले तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सेवेंथ क्वेश्चन का, इसको देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कुतुब मीनार पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका तुगलकाबाद किला। ठीक है, क्या आएगा, तुगलकाबाद किला, इसका निर्माण किसने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था, दिल्ली में ही एक नगर का निर्माण। ठीक है, ये एक नगर है तुगलकाबाद जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, और इसको ये जो तुगलकाबाद किला है इसको सुरक्षित करने के लिए एक और किले का भी निर्माण कराया था। और अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी की इंपॉर्टेंट है तो इसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर आपका सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है, अजमेर, ठीक है, अजमेर, कुवल अल इस्लाम, जौनपुर, अटाला मस्जिद, मालवा, जहाज महल। तो यहाँ पर आपका ये स्थल दिए हुए हैं और ये स्थापत्य दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में कुवत अल इस्लाम है। ठीक है, कहाँ है, यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा इसकी जगह, अजमेर की जगह दिल्ली हो जाएगा, कुवल अल इस्लाम है। तो एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका मैचिंग वाला है, तो यहाँ पर राइट आंसर आप देख लीजिए, इसका ए हो जाएगा, यानी कि जो मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर है, इसका राइट आंसर खिलजी से हो जाएगा। ठीक है, अष्टभुजई मकबरों का उदय तुगलक में, स्तंभों में बोडिगोई का प्रयोग विजयनगर, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख द्वार, यहाँ पर ये शर्की से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप 2020 का नेट या JRF का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आपके फ्रेंड्स में ऐसा कोई है जो देने वाला है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकेगी। साथ ही इसके अलावा अगर आपका पेपर सेकेंड सोशियोलॉजी भी है तो उसके लिए भी आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।